नमस्कार, इस वक्त अभी हम लोग हैं देवघर सुल्तानगंज कांवरिया पथ पे। आज सावन का आज दूसरा दिन है और यहाँ पे आपको दिखाने वाले किस प्रकार शिव भक्त आज बाबा धाम पहुँच रहे हैं और किस प्रकार इन लोग का यात्रा हो रहा है। चलिए आज श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं इन लोग का यात्रा भी किस प्रकार हो रहा है, क्या कुछ सुविधा मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी जो है इस बार यात्रा करने वाले हैं और किस प्रकार इन लोग का यात्रा हो रहा है वो सारा जानकारी लेंगे। चलिए जो है वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सामने दोस्तों आप देख सकते हैं ये भूत बंगला रहा और यहाँ पे कांवरिया जो है अभी बाबा धाम प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से मंदिर का डिस्टेंस मात्र जो है 2.5 किलोमीटर रहता है। इधर से जो है कोठिया तरफ से आते हैं, जो कि बस वगैरह से जो आते हैं वो जो इधर से उसका रूट लाइन अलग है और ये जो पैदल यात्रा चलता है उसका रूट लाइन अलग है। आज सावन का दूसरा दिन है और इस प्रकार जो है भक्तों का भीड़ यहाँ पे होने लगा है। और थोड़ा जानते हैं कहाँ से माता बाबा? भागलपुर जिला। अच्छा, यात्रा कैसा हो रहा है? अभी बढ़िया से। अच्छा, दिक्कत वगैरह कुछ? कोई दिक्कत। हर हर महादेव। कहाँ से बाबा जी? भागलपुर जिला। सुविधा मिल रहा है? सब कुछ मिल सुविधा है, सब कुछ का खाना पीना का सब कुछ सुविधा है। कितना दिन लगा यहाँ पहुँच गए? 24 घंटा लगा यहाँ। 24 घंटा आ गए। चलिए, आपका यात्रा मंगल में है और ये देखिए लगातार आज सावन का दूसरा दिन है और इस प्रकार का भीड़ आपको देखने को मिला। कहाँ से बाबा जी? मिर्जापुर। अच्छा, कितने लोग चले हैं आप लोग? हाँ, 21 लोग। अच्छा, कितने सालों से यात्रा कर रहे हैं आप लोग? 28 साल हो गया मेरे को। काफी कुछ बदलाव भी देखे होंगे? बहुत बहुत बदलाव दिया, बहुत बदलाव। हाँ, बहुत। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल रहा है? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है भाई, तो शुरुआती है। हाँ, इसके बाद में मिलेगा और बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम। चलिए, आपका यात्रा मंगल में हो। हर हर महादेव। बोलबम देख सकते हैं दोस्तों, लगातार जो है यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे और इस प्रकार जो है इन लोग का यात्रा हो रहा है और यहाँ पे देखिए फवारा आपका लग चुका है। अब जो है श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं जो है राहत मिलेगा। ये देखिए बम लोग आ रहे हैं। कहाँ से बम जी? वेस्ट बंगाल से। अच्छा, यात्रा कैसा हो रहा है आप लोग? खूब सुंदर। चलिए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। इस बार आप देख सकते हैं प्रशासन का सुविधा बहुत ही अच्छा। ये देखिए छोटू बम, छोटू बम बोल बम। क्या नाम हुआ? नाम क्या है तुम्हारा? मैं बॉबी। अच्छा, पहली बार आ रहा है? हाँ। चलिए, आपका यात्रा मंगल में हो और ये देखिए किस प्रकार कितना कॉन्फिडेंस के साथ एकदम बोल रहे हैं। इधर कुछ डाक कंवरिया भी आ रहे हैं। कहाँ से आप लोग? अच्छा, सुविधा डाकों का मिल रहा अभी? इनके आज मंगलवार का दिन है और ये देखिए डाक कंवरिया का भीड़ देख सकते लगातार हो रहा है। बोल बम, हर हर महादेव। बोल बम। डाक बम का सेवा मिल रहा? बढ़िया मिल गया, बढ़िया। चलिए देख सकते हैं कैसा है यात्रा आप लोग का? ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख सकते हैं एकदम आराम से यात्रा कर रहे हैं सभी लोग। डाक कंवरिया देख सकते हैं और ये देखिए बोल बम, बोल बम। और यहाँ पे देखिए सभी लोग एक फोटो वगैरह जो है यादगार के लिए यहाँ पे भूत बंगला गेट के पास क्लिक कर रहे हैं। और ये देखिए किस प्रकार डमरू लेकर के और यहाँ पे साउंड सिस्टम लेकर के जो है यहाँ पे चल रहे हैं और ये देख सकते हैं लगातार यात्रा। और कहाँ से बम जी? जम्मू जिला से। अच्छा, यात्रा कैसा हो रहा है आप लोग का? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देख सकते हैं हर हर महादेव। देख सकते हैं लगातार जो है बम लोग का जो संख्या है वो बढ़ने लगा है। और ये देखिए आज सावन का दूसरा दिन है और इस प्रकार आप लोग को भक्तों का भीड़ जो है रास्ते में दिखने लगा है। यहाँ पे दुकान वगैरह देख सकते हैं आपको हर जगह पे लग चुका है। और ये सामने रात देवघर नगर निगम आपका स्वागत करता है, क्योंकि बाबा नगरी यहाँ से आपका मात्र 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है। ये देखिए 3 किलोमीटर यहाँ पे बताया जा रहा है और शिवगंगा भी जो है 3 किलोमीटर है। और यहाँ से बासुकीनाथ का जो डिस्टेंस है वो 43 किलोमीटर है देख सकते हैं। और ये नेहरू पार्क का 2.5 किलोमीटर। तो ये भूत बंगला का गेट है और यहाँ पे आने के बाद अब जो है बाबा धाम कहीं ना कहीं आप जो है विजिट कर गए हैं। और दुम्मा बॉर्डर से यहाँ तक का डिस्टेंस वही आपका 8 से 9 किलोमीटर पड़ता है। और ये देखिए कुछ श्रद्धालु लोग इधर जा रहे हैं। बोल बम, बोल बम देख सकते हैं। और ये देखिए डाक बम भी यात्रा कर रहे हैं अभी, तो काफ़ी जो है इस पथ पर आपको। और ये देखिए इस बार बालू जो है काफ़ी बैठ गया है, कल जो है इस पर पानी डालने का जो काम था वो हो रहा था। आप लोग कहाँ से? हम लोग महाराष्ट्र से है। लेके बालू वालू बहुत ज्यादा गिरा दिया है डाक लोगों को। क्या है कि उसके अंदर पैर घुस रहा तो बाहर नहीं निकलने पा रहा, तो बताओ डाक लोग क्या करेगा बेचारा। अभी डाक लोग जो आ रहे तो बोल रहे कि कल जो तो बहुत ज्यादा फैल हो गई है, तो बताओ अब इतना इतना खर्चा करके आते फैल हो जाएगा तो फिर बताओ फायदा क्या रहेगा। थोड़ा बहुत कुछ सुविधा मिलना चाहिए, ऐसा कुछ करिएगा तो अच्छा रहेगा, सब हम लोगों को अच्छा लगेगा। हम लोग का डाक लोग भी आ रहा है और बहुत से डाक लोग जो तो बीच में फैल भी हो गया है। उन लोग के मुंह से सुनने में आया है ऐसा कि बहुत ज्यादा बालू के अंदर में पैर घुसा जा रहा है, अंदर में डाक लोगों को पैर निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर उन लोग को जलार्पण करना होता है। हाँ, 24 घंटे के अंदर में क्या है कि उनको बाबा के पास में आने का रहता है, तो बताइए कोई जान है कोई ऐसी चीज तो है नहीं, बताओ कहाँ तक आदमी खींचेगा और इतनी परेशानी के अंदर में। क्या सेवा कर रहे हैं हम लोग के लिए आप लोग? पिला रहे हैं। सेवा जो है कितने साल से आप लोग दे रहे हैं अभी? सेवा हम लोग दे रहे हैं जब से ये झारखंड अलग हुआ सब, जब से ही। अच्छा, क्या क्या सुविधा भी जो है हम लोग के लिए कर रहे हैं? यहाँ हम लोग सेवा भी हम के लिए कर रहे हैं। अभी देखिए लेमो पानी है, शरबत, उसके बाद सोमवार को हम लोग फल बांटते हैं, केला हो, सेब हो, नारियल हो, जितना हो, अमरूद हो, सब कुछ फल बांटते हैं। जितना यहाँ पूरा व्यवस्था है लगा हुआ है,
सब चीज़ के लिए हम लोग व्यवस्था करें। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला देवघर के द्वारा यहाँ पे इस प्रकार का सुविधा आपको मिलता है, निःशुल्क सेवा यहाँ पे। और ये आपका भूत बंगला का गेट रहा जो कि यहीं पे सारा सुविधा आपको मिल रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ बम लोग जो है अभी दुकानों में रेस्ट कर रहे हैं, और जानते हैं लोग कहाँ से हैं और क्या नाम है। बम जी कहाँ से आप लोग? गया जिला। अच्छा, दुकानों में जो है खाने पीने का रेट इस बार कैसा लिया जा रहा है? सही लिया जा रहा है। कितने लोग चले हैं आप लोग अभी? हम लोग चले हैं 25 लोग। अच्छा, कोई तरह का दिक्कत अभी? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, निःशुल्क सेवा मिल रहा अभी? जी मिल रहा है। यात्रा भी कैसा हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कितने साल से आप लोग आ रहे हैं? 12 साल से। 12 साल हो गया। आप लोग जो है पहली बार आए हैं, फिर से पहले आए थे? पहली बार आए। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इधर छोटू बम भी है, क्या नाम है बाबू? साहिल कुमार। अच्छा, कैसा लग रहा है एकदम बोलबम यात्रा करके? अच्छा। कोई तरह का दिक्कत अभी? नहीं। चलिए बोलबम। देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पे एकदम जो है दुकानों में रेस्ट कर रहे हैं। बोल बम बोल। तो दोस्तों आपने देखा अभी बहुत सारा बम जो है आज सावन का दूसरा दिन में भी चल रहे हैं, और काफी अच्छा इन लोग का यात्रा हो रहा है। बहुत ही अच्छा सुविधा भी मिल रहा है, सारा निःशुल्क सेवा शिविर भी चालू हो गया है। तो अगर आप लोग आने के लिए सोच रहे हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं अपनी यात्रा को। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पेज को जो है फॉलो कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए धन्यवाद।